नमस्कार, मैं डॉक्टर एन के सोनी सीनियर फिजिशियन हूँ, यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको ठंड, सर्दी और सर्दी से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बीमारियों के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। जितनी ठंड आजकल हम महसूस कर रहे हैं और पहाड़ी इलाकों में अधिक बर्फबारी और बारिश की वजह से मौसम बहुत ठंडा बना हुआ है, इस मौसम में कुछ बीमारियाँ मुख्यतर काफ़ी जानलेवा भी हो जाती हैं। खासकर बहुत अधिक आयु वाले लोगों को ठंड से थोड़ा बचाव करना अति आवश्यक है। ख़ास तौर पर दो बीमारियाँ, एक हृदय से संबंधित और दूसरा फेफड़े से संबंधित, अधिक जानलेवा और ज़्यादा रहती हैं इस मौसम में। क्योंकि ठंड के मौसम में शरीर अपनी गर्मी को बचाना चाहता है, इसलिए शरीर की कोशिकाएं और धमनियां ये सिकुड़ती हैं उस एनर्जी को बनाए रखने के लिए, और इसलिए अधिक आयु के लोगों में ऐसे मौसम में ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट अटैक होना और फालिस पड़ना, मस्तिष्क में ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक होना, ये बहुत कॉमन रहते हैं। इसलिए हमारी राय रहती है कि अधिक आयु के लोगों को एकदम से ठंडी हवा में एक्सपोजर नहीं करना चाहिए, पूरा ध्यान से कपड़े पहन के रखने चाहिए और ठंड से थोड़ा बचाव करके रखना चाहिए। इसी तरह से जैसे हृदय के रोगों के लिए ये बचाव ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए ये बचाव ज़रूरी है। खान पान में भी अधिक आदमी खा पाता है इस मौसम में गर्मी की अपेक्षा, क्योंकि उसको कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होती हैं शरीर के तापमान को बना के रखने के लिए। इसीलिए ऐसे मौसम में शुगर की बीमारियां भी अधिक खान पान की वजह से ज़्यादा हो जाती हैं। जो कंट्रोल शुगर चलती है उसमें शुगर के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमारी राय इसमें ये है कि अधिक आयु के लोगों को और सभी लोगों को जो पहले से ब्लड प्रेशर और शुगर से ग्रसित हैं, कि एक बार अपने डॉक्टर से राय ज़रूर ले लेनी चाहिए, जिससे शुगर की दवाई और ब्लड प्रेशर की दवाई को थोड़ा एडजस्ट करा सकें ऊपर की तरफ, जिससे उनका शुगर और उनके ब्लड प्रेशर को पूरा कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह से फेफड़े की बीमारी भी ऐसे मौसम में अधिक पनपती है। जिनको पहले से सांस की दिक्कत हो, उन्हें खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। खट्टे और ठंडे पदार्थ का सेवन कम से कम करना चाहिए। जहाँ फल वाले भी हैं, फलों में भी बिना रस के फल अधिक लें, रस वाले फलों का थोड़ा सेवन कम करें और खट्टे ठंडे से बचाव करके रखें, क्योंकि ऐसे में सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है, क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर ठंड के मौसम में नीचे आ जाता है और उससे सांस वालों को दिक्कत ज़्यादा होती है। इसलिए खास तौर पर इन दो बीमारियों में हमारी राय है कि अधिक आयु के लोगों को खास सावधानी रखनी चाहिए शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट और लंग्स के लिए। इन बीमारियों से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी सलाह लेनी हो तो यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में सुबह और शाम दोनों वक्त आपके लिए मुख्य चिकित्सक उपलब्ध हैं, जिनसे आप राय लेकर अपने जीवन यापन को थोड़ा सुधार सकते हैं, एक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी यही शुभकामना है कि आपका जीवन अधिक स्वस्थ रहे। कहीं भी हमारी सहायता की ज़रूरत हो तो हम उपलब्ध हैं आपकी सहायता के लिए। धन्यवाद।